हे वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है जन्माष्टमी, इधर आज ही है ना जन्माष्टमी। हाँ। तो कल क्या था फिर? कल जन्माष्टमी था, आज मटकी फूटेगा। अच्छा, कल जन्माष्टमी था, आज मटकी फूटेगा। आज 13 तारीख है ना, मुंबई ये सब तरफ 11-12 को ही सारी चीजें हो गई। इसमें से दो सालियां हमारी सगी सालियां है और दो सालियां हमारे वाइफ के मामा जी की बेटी है। नाम बता दो आप लोगों का। सुमन कुमारी। मैंने प्यार किया कि सुमन, और ये ननकी, ये तो जानते आप। अल्पन, और ये रजनीकांत। हमारे ससुराल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मटकी फोड़ने का प्रोग्राम है, मेला लगा हुआ है, तो वहीं पर जा रहे हैं और आप लोगों को भी एंजॉय कराएंगे हम लोगों के साथ। किशु बोलो लेट्स गो। हम लोग पहुंच तो गए जहां पर मटकी फूटती है, वहां पीछे मटकी लगी हुई है, लेकिन अभी कुछ कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। आधे घंटे घूमेंगे, 1.5 घंटे, फिर उसके बाद निकलेंगे। जब मटकी फोड़ने का टाइम आएगा, और आधा 1.5 घंटा है, तो जब तक हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर लगी है मटकी, वहाँ पर, लेकिन पूरी धूप है और कहीं पर कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए ये सारी सालियों की पार्टी और ये बच्चा पार्टी और हम यहीं पर बैठे हैं। मेरा प्लान था वहाँ पर जाके बैठने का, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं वहाँ पर धूप है और नीचे कीचड़ है, मैं अकेला होता तो वहाँ चले जाता। पहुंच गए भाई हम तो, थैंक्स टू कैमरामैन अल्पन। यहाँ पर लगी है मटकी और यहाँ पर लगे है राधे कृष्ण। किशु प्रणाम कर दो बाबू। ये चल आज, अच्छा ना आ जाओ। राधे और कृष्णा, हमारे कृष्णा है ना, वो देखो आप, वो देखो आप इधर हो, देखो आप इधर हो, कृष्णा है ना। हाँ आप भी कृष्णा हो ना, आपका भी नाम कृष्णा है ना, वो क्या इधर। तो ये जो फूरा गया मटका, ये नहीं पूरी तरह से नहीं फूट पाई है, क्योंकि स्टूल जो था उसमें सटने के बाद फूटी गई है, और जो नियम रखा गया है कि वो स्टूल में सटने के बाद नहीं फोड़ सकते हैं। तो फाइनली थोड़ी शांति हो गई भाई यहाँ पर, वरना स्पीकर में बोला जा रहा तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इसके कारण मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा। तो ये है पीछे मटकी, बिहार की पहली मटकी, हमारा पहला बार यहाँ पर एंट्री के टाइम पे। खतरनाक थक गया हूँ ना मैं, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट, हमारे बच्चों का रेस्ट खड़ा है यहाँ पे और हम खड़े यहाँ पे, तो 2 मिनट यहाँ पर बैठेंगे, आस पास का टाइम लैप्स लेंगे, ये झील के पास छोटी सी प्यारी सी, और फिर उतरेंगे दोबारा फील्ड में। दोस्तों आप लोग जो हमारे वीडियोस देखते हो, आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, अगर आप देख रहे हो आपको पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ कैसा है, क्या हम कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं व्लॉग्स में, या आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं, जो भी है आपका थॉट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये हमारे भैया जी, यानी कैसे रिश्ते में, मेरे को समझा दो। भाई जी का दोस्त। हाँ अच्छा, राहुल भाई जी के दोस्त। हाँ तो ये हमारे साले साहब के दोस्त है। अरे आपकी बच्चा पार्टी, इसका नाम नैना। निक्की, निक्की। और आपका चुलबुल। अरे बाप रे, चुलबुल पांडे। खतरनाक वाली गर्मी हो गई थी और बहुत खतरनाक वाली प्यास लग गई थी, तो यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर ये कल है हैंडपम्प, तो वहाँ पर आए थे, प्यास बुझाई, मुँह धोया और अभी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते जहाँ से आए थे, क्योंकि पूरा कीचड़ ही कीचड़ है और मेरा जूता ऑलरेडी पूरा भीग चुका है, तो जाएंगे यहाँ से चलते हुए वहाँ उतरेंगे। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में बस पानी भरा हुआ है, कोई झील वगैरह नहीं है, नहीं तो लोगों को लगे झील है। तो फाइनली मटकी फोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया, हम लोगों को बालकनी वाली सीट मिल गई है। एक शायरी कैमरा के लिए बोल दो ना, एक शायरी कैमरा के लिए बोल दो मस्त वाली। मुंबई 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 से इस समय संग्राम जी जो फोड़ा जाता है उसको देखने के लिए संग्राम जी, इनका एक यूट्यूब चैनल
चैनल है जिसमें ये वीडियो जाएगी, इसका वीडियो जो है यूट्यूब चैनल है उस पे आएगी, तो आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा म्यूजिक विकास म्यूजिक सीखो पे, आपको वो लिंक दिया जाएगा जिस लिंक पे आप लोग क्लिक करके इनके चैनल पे ये मटकी फोड़ने का जो वीडियो है देख सकते हैं। ये मुंबई से आए हुए इस वीडियो को करने के लिए, तो मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये बच्चा बोल रहा है घर पे चलो, अभी इतने देर रुकने के बाद बिना मटकी फूटे कैसे जाएंगे? बाबू मटकी फूटने दो, आपको फुगा चाहिए ना ऊपर, वो मटकी के ऊपर सब फुगे लगे हैं, उसको चाहिए एक, तो मटकी फूटेगा डैडी फुगा देगा आपके लिए, फिर अपन जाएंगे। ओके कृष्ण भगवान के लिए, अब डूबने का क्या डर, अब डूबने का क्या डर, प्रभु जब नाम तेरी हो दरिया भी तेरा लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। जय श्री राधे, मेरे सामने जिसकी तलाश थी जिसकी उपवास थी वो आ गए हैं मेरे सामने। वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, जय जय श्री राधे। दही हंडी फूट गई और हम अपनी इन सभी सालियों के साथ, ये सालियों का झुंड, सालियों की फौज, इनके साथ जा रहे हैं घर, और यही इस ब्लॉग को समाप्त करने का समय आ गया है। मैं नहीं जानता ब्लॉग कैसा बना, जब एडिटिंग करने बैठूंगा तो पता चलेगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर करिए। देख सकते हैं आप मैंने कितना स्ट्रगल करके ये ब्लॉग बनाया, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। तो बस बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखने का, लाइफ में चाहे जो भी हो जाए टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग बाय बाय बोल दो। बाय 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 बाय। जैसे हमने हमारे बच्चों को प्रॉमिस किया था कि धेंडी फूटेगी तो उसको वहाँ का फुका दे देंगे, लेकिन धेंडी जैसे आप लोगों ने देखा लेकर बंदा कूद गया नीचे, तो फुगे सारे ऊपर ही रह गए। तो हम लोगों ने दुकान से फुगे लगाए, फूल फुलाए, खेलो किशु खेलो चुना। डैडी को पापा दे बलून लिया, डैडी मुझे इधर। अरे बाप रे, क्या डाल।